नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। आपको पता है साथियों, काफ़ी सारे फ्लाइटें अभी सरकार की तरफ से आ रही हैं। हालांकि बहुत सारी वैसे देखा जाए बहुत कम फ्लाइटें भाई हमारे राजस्थान में सबसे कम फ्लाइट आ रही हैं, और बहुत सारी और भी राज्य हैं वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइटें कम आ रही हैं। स्टेट्स मंजूरी नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, सरकार हैं, वो मंजूरी नहीं दे रही हैं कि फ्लाइट आप पहुँचा दो। लेकिन फिर भी ठीक है, फ्लाइट जो भी आ रही हैं उसमें कुछ समाधान, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो भाई आपको फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले से ही आप बेरोजगार हो चुके हो, खर्चा आपका बढ़ चुका है, आप जो टिकट है वो 2 गुना 3 गुना पैसा दे के इंडिया पहुँच रहे हो, ठीक है। उसके बावजूद गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। जल्दबाजी के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं, टिकट कहीं की भी जैसे इंडिया में मिल जाए, बस इंडिया पहुँच जाएँ, किधर से भी मिलें बस इंडिया पहुँच जाएँ, इसी के चक्कर में हम टिकट कहीं से भी किधर से भी बुक कर लेते हैं। राजस्थान का बंदा बॉम्बे पहुँच जाता है, दिल्ली पहुँच जाता है, गुजरात पहुँच जाता है। इसलिए मैं बता दूँ कि ऑनलाइन टिकट खरीदने से पहले कुछ बातों का भाई ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि टिकट सोच समझ के खरीदें, इधर उधर से न खरीदें। किसी को पैसे दे देंगे तो पैसे चले जाएंगे। अब एजेंट को, किसी एजेंसी को पैसे दे दिए, बहुत सारे लोग होते हैं जी हम आपकी टिकट करवा देते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बुकिंग वाला हो गया ना सिस्टम, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। टिकट सोच समझ के खरीदें ताकि आपका पैसा खराब नहीं हो। मैं समझ सकता हूं कि किस तरह से आपने 20-30 हज़ार का जुगाड़ करके टिकट का पैसा इंतजाम किया है, वो पैसा चला गया तो भाई दिक्कत हो सकती है। दूसरे नंबर पे मैं बता दूं कि टिकट साथियों आपको अपने गृह राज्य में खरीदनी है। जैसे आप राजस्थान के हैं तो आप राजस्थान के लिए टिकट खरीदे, हो सके कोशिश करें, क्योंकि आप दिल्ली खरीद लेते हो, आप गुजरात की भी ले लेते हो, बहुत सारे लोग बिहार दूर की आप टिकट ले लोगे, आपको नुकसान क्या होने वाला है, क्योंकि क्वारंटाइन के हर स्टेट में अलग अलग नियम बने हुए हैं। कई जगह फ्री में चल रहा है, कई जगह पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आपका टिकट का पैसा भी कई जगह बहुत ज़्यादा लग रहा है। दूसरी बात, वहाँ से आप ट्रेवल करके आओगे तो वो खर्चा किसका लगेगा, आपका लगेगा। ट्रेवल में बहुत ज़्यादा समस्या आपको हो सकती है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मुर्गी से महंगा मसाला पड़ जाए, तो आपको इस बात का ध्यान रखें कि हो सके आप अपने राज्य की टिकट खरीदें ताकि आपको घर में आने जाने में कोई समस्या नहीं हो, क्वारंटाइन में आपको कोई दिक्कत और समस्या नहीं हो। मेन बात ही आपको बतानी थी, हालांकि ये बातें सब जगह आपको नहीं मिलती, मेरे पास जो मेरे माइंड में थी मैंने आप लोगों के साथ बता दी। टिकट खरीदे सोच समझ, जल्दबाजी में टिकट खरीद लोगे तो भाई पैसा ज्यादा लगेगा, टाइम खराब हो जाएगा, क्वारंटाइन पता नहीं यहाँ क्या स्थिति है, वहाँ क्या स्थिति है, रहना खाना, सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कोरोना नहीं हुआ आज तक, वो तो भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने स्टेट की टिकट खरीद के आप इंडिया पहुंचने की कोशिश करें, घर पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आपको भविष्य में समस्याओं का समाधान हो जाए, समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को, टिकट खरीदें अपने राज्य के। आप राजस्थान के हो तो राजस्थान की लें, बिहार के हो तो बिहार की, दिल्ली के तो दिल्ली की लें, दूर की लोगे तो भाई आपको ये समस्याएं जो मैंने बताई है वो आपके साथ शेयर आपको करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखें, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।